नमस्कार, मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार। आज आपको जो मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिसको आप लोग जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो है शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हुआ ये कि आप जानते हैं कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े के सामने एक नौबत खाना है, छोटे इमामबाड़े के सामने नौबत खाना है। अब आप पूछेंगे ये कैसे जाया जा सकता है। आप यदि हजरतगंज में कहीं हो रहे हैं तो आप सीधे सीधे चलते चले आइए और वहाँ पर जो है आपको पहले मिलेगा हाथी वाला पार्क, उसके बाद फिर जो है पहले महावीर पार्क मिलेगा, फिर हाथी वाला पार्क मिलेगा, फिर और सीधे चलते हैं दरिया वाली मस्जिद, उसी के आगे पहले बड़ा इमामबाड़ा पड़ेगा, उसके सामने बाईं तरफ बड़ा इमामबाड़ा पड़ेगा, दाहिनी तरफ नौबत खाना, और आगे चल जाए नीबू पार्क पड़ेगा, फिर आपको जो है क्लॉक टावर पड़ेगा, फिर सतखंडा पड़ेगा, पिक्चर गैलरी पड़ेगी, उसके और आगे एक और गेट को पार करेंगे तो आपको छोटा इमामबाड़ा पड़ेगा। छोटे इमामबाड़े के सामने नौबत खाना है। अब आप जानते हैं नौबत खाना किसे कहते हैं। नौबत खाना मतलब वहाँ पर जो है ये जब कभी कोई, मतलब एक तो ये टाइम बताने का बहुत अच्छा था कि नवाबों के समय जो है नौबत खाने में हर पहर के लिए शहनाई और ड्रम बजता था, तो ये जो है नौबत खाना हो गया। तो नौबत खाना जैसे को नक्कार खाना भी कहते हैं। ड्रम मतलब नगाड़ा बजता था खूब जोर जोर से। आपने कहावत में होगी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में मतलब बहुत तेज तेज नगाड़ा बजाया जाता था, उसमें शहनाई के साथ छोटी सी पी करके होती थी, उसकी आवाज़ दब जाती है, तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ये कहावत। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। जब आप छोटा इमामबाड़ा देखने जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसका फ़ोटो आपको दे दूँगा, देखिएगा। उसके बाद आप दाहिनी तरफ बाईं तरफ छोटा इमामबाड़ा, उसके ठीक सामने नौबत खाना है। मैं नौबत खाने के बारे में बता रहा हूँ, उसकी भी फ़ोटो मैं दे रहा हूँ। नौबत खाना हमारे अवध के तीसरे बादशाह, अवध उस समय अवध का शासन अवध कहलाता था पूरा एरिया, उसके तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह थे और वो नौवें जो है क्या कहते हैं नवाब थे, और उन्होंने जो है सन 1838 में जो है इस नक्कार खाने को बनवाया था। नक्कार खाना या नौबत खाना, जहाँ पर उस समय राग भैरवी भी, सुबह सुबह राग भैरवी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुआ, राग भैरवी का भी गायन होता था। कोई भी मेहमान आता था बाहर से तो उसके स्वागत के लिए भी नगाड़े बजाए जाते थे, टाइम आम जनता को टाइम बताने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे। इस तरह से जो है बहुत ही वहाँ पर जो हुआ। तो इस नक्कार खाने को क्यों मैं याद कर रहा हूँ कि लखनऊ वासी के लिए खुशी की बात है कि इसको जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में चिन्हित किया है। इसको मोहम्मद अली शाह ने 1837 में बनवाया, क्योंकि अवध के तीसरे बादशाह थे और नौवें नवाब थे। और बड़ा इमामबाड़ा तो आप जानते हैं, हमारे महान नवाब आशफ़ुद्दौला साहब ने इसे बनवाया था और इसको मोहम्मद अली शाह ने बनाया था। तो जो है इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और जो है मैं इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने के बाद ये यूनेस्को इसको ले लेंगे और ये विश्व धरोहरों के उसमें आ जाएगा। राष्ट्रीय धरोहर घोषित होते ही इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने अधिकार में ले लेगी, विस्तारा कार उसी का होगा। तो आप कभी भी घूमने आए तो बड़ा इमामबाड़ा देखिए, उसके सामने बड़े इमामबाड़े के सामने नौबत खाना है बहुत ही खूबसूरत, उसके फिर जब छोटे इमामबाड़ा है, छोटे इमामबाड़ा घूम के दाहिनी तरफ नौबत खाना है, उसको देखिए नौबत खाना है नक्कार खाना। इस वीडियो के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं लखनऊ की नवाबियत, लखनऊ की शानो शौकत, लखनऊ का मेहमानवाजी, लखनऊ की जो है भाषा, बोलचाल की भाषा, इसको आप अपने हृदय में लेके वापस जाएंगे और इन खूबसूरत जगह से जब आप हजरतगंज से
छोटे इमामबाड़े तक आएंगे तो बीच में आपको जो है रेजिडेंसी पड़ेगी जो 1857 के गदर का वो था, उसके उधर शहीद स्मारक है जो कि उन शहीदों के लिए जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों की बलि दी थी अपने भारतवर्ष के लिए, उनके स्मारक उसके लिए बहुत स्मारक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो महावीर पार्क मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हाथी पार्क मिलेगा, और आगे जब चले जाएंगे तो बाईं तरफ बड़ा इमामबाड़ा जो नवाब आशुतोला ने बनवाया था 250 साल पुराना, और जो है एक रूमी दरवाज़ा बीच में बहुत बड़ा दरवाज़ा उसी समय वो भी बना था। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको जो है क्लॉक टावर मिलेगा, हुसैनाबाद का जो है क्या कहते हैं बावड़ी मिलेगी, और जब आप आगे और बढ़ेंगे तो छोटा इमामबाड़ा जिसको जो है क्या कहते हैं छोटा इमामबाड़ा, उसी के सामने ये नक्कार खाना है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, एंजॉय करिए, एंजॉय योरसेल्फ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान करे ओलंपिक में हम लोग के झोले में बहुत सारे सोना ही सोना आ जाए, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।